तो अगर आप भी देने वाले हैं 2020 में क्लास ट्वेल्थ की के बोर्ड की परीक्षा, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैंने इसमें पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए, उसका पूरा यहाँ पर डिस्कशन दिया है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। और अगर आपको कोई सहायता चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, उसका कमेंट आप इस वीडियो में जरूर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर किया है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को, बेल आइकन दबाएं, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें और पाएं एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। सो एज आई टोल्ड, मैंने जैसा आपको कहा था कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2018, 17 और 16, 15 और ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फिजिक्स के मेरे पास प्रिंट आउट हैं, और ये सारे 2009 तक हैं, और इसके साथ ही 2019 का जो क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ मेरे चैनल पे है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 एक्सरसाइजेज आते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है गाउस का प्रमेय, गाउस थ्योरम। तीसरा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एवं कैपेसिएटर। तो इसके उन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो 2018 से अभी तक पूछे गए हैं, 2009 से अभी तक जो पूछा गया है उसके 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इन 4 एक्सरसाइजेज के हैं और वो सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देख के रिपीट भी होता है, तो चलिए बात करते हैं। इससे हमको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन नॉट के नाम से जाना जाता है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसमें एप्सिलॉन नॉट इंक्लूड कर दिया है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा लिखे, ये 2018 में क्वेश्चन राइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं इसमें केवल लघु उत्तरीय की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लॉन्ग टाइप पे भी लेके आऊँगा, अभी केवल मैं शॉर्ट टाइप की बात ही कर रहा हूँ। इसमें एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कि एक एग्जामिनेशन में कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं इन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से, 2 से 3 क्वेश्चन राइज करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन सिंपली नोट्स का होता है, डिफिनेशन हो जाए या कुछ यूनिट डायमेंशन हो जाए, और 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है। तो इसमें अभी मैंने न्यूमेरिकल का डिस्कशन नहीं किया है। लॉन्ग टाइप और न्यूमेरिकल के वीडियोज बहुत जल्द इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किया जाएगा कल परसों तक। तो आइए शुरू करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समान धन बिंदु आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचिए, ये 2017 में पूछा गया था। 2 समान धन बिंदु आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचिए, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें, ये 2016 और 2010 दोनों में ये क्वेश्चन राइज किया गया है। सेम टू सेम 2016 और 2010 दोनों में ये क्वेश्चन राइज किया गया है, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। और 2020 में भी इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और 2019 में तो ये सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रिपीटेशन देखने को मिला है। आप 2019 का जब आप वीडियो मेरा देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, अभी पहले इसको पूरा आप देख लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें, 2016 और 2010 में पूछा गया है। 2019 के क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो बहुत सारे लगभग क्वेश्चंस इससे ही मैच आपको कर जाएंगे। तो 2020 में भी इन्हीं क्वेश्चंस के आने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं, और अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चंस ना भी आए तो ये हमें उपयोगी हो सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं समझने में, या इसके आंसर्स को देख के इसके आंसर करने में। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था, 2018 में पूछा गया था, वायुमंडल विद्युतीय उदासीन नहीं होते हैं, समझाइए क्यों। 2018 में ये क्वेश्चन राइज किया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। देखिए लगातार दो वर्ष इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था और 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र या इसको समांतर पट संधारित्र भी कहा जाता है में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी 2015 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें, ये 2014 में क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ये भी 2014 में पूछा गया है। इसी में अथवा करके एक और क्वेश्चन था, क्या दो संविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती हैं, इसका आंसर हाँ या ना में करना था और उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा लाइन लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं संविभव पृष्ठ को परिभाषित करें, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2020 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संधारित्रों की धारिता C1 एवं C2 है, इसके लिए पार्श्वक्रम एवं श्रेणी क्रम परिपथ को दर्शाइए, ये 2013 में क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे, ये 2012 में पूछा गया और इसको शायद जैसा कि मुझे याद है 2019 में भी इसको रिपीट किया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं, ये 2010 में क्वेश्चन किया गया है। 2019 का भी देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। विद्युत फलक्स को परिभाषित करें, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया है, विद्युत फलक्स को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध को स्थापित करें, ये एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है पूरा, 2019 में इसको पूछा गया है। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस, अब हम लोग आंसर की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं आंसर्स को। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप क्रिएट कर लें 2020 की परीक्षा के पहले, और अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ। साथ ही अगर आंसर का वीडियो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें, ताकि जितना भी आंसर के लिए कमेंट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन सारे क्वेश्चन को आपको बना के और बिल्कुल उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए इसको भी कमेंट बॉक्स में आप बोल दें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।